नमस्कार, स्वागत है आपका DTW 24 न्यूज में और मैं हूं आपके साथ अभिजीत। आज 11 अगस्त है और अब वक्त हो चला है आज की 10 बड़ी खबरों पर नजर डालने का। तो आइए देखते हैं बिहार की 10 बड़ी खबरें। लखीसराय में ग्रामीणों और पुलिस के बीच झड़प हो गई। बताया जा रहा है कि गोलीकांड के आरोपी को पकड़ने पुलिस गई थी, जहां ग्रामीणों ने विरोध किया, जिसके बाद पुलिस और ग्रामीणों के बीच झड़प हो गई। इसके बाद ग्रामीणों ने लखीसराय पटना मार्ग को जाम कर घंटों प्रदर्शन किया। बाद में DSP ने बल प्रयोग कर जाम हटवाया। मुजफ्फरपुर में बाढ़ के पानी में नहाने के दौरान 4 बच्चे डूब गए, जिसमें से 2 बच्चों की मौत हो गई। वहीं 2 बच्चे की हालत अब भी गंभीर बनी हुई है। ये घटना कुडनी थाना क्षेत्र की बताई जा रही है। भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद ने बिहार के 243 सीटों पर अपना उम्मीदवार उतारने की घोषणा कर दी है। मंगलवार को पटना में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद ने यह घोषणा की। बिहार पुलिस के अधिकारियों के खिलाफ बांद्रा पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई गई है। यह शिकायत सुशांत सिंह केस की मुंबई जांच करने गए 5 अधिकारियों के खिलाफ की गई है। महाराष्ट्र की करनी सेना ने शिकायत दर्ज कर उनके खिलाफ FIR करने की मांग की है। करनी सेना का आरोप है कि बिहार के पुलिस का कार्य क्षेत्र मुंबई नहीं है। बक्सर में सुशांत सिंह राजपूत मामले में महाराष्ट्र सरकार के रवैये से नाराज लोगों ने नारेबाजी की। लोगों ने शिवसेना नेता संजय राउत के बयान पर नाराजगी जताते हुए उनका पुतला दहन किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना से ज्यादा प्रभावित 10 राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक की। प्रधानमंत्री ने बताया कि इन 10 राज्यों में कोरोना के 80% केस हैं, इसीलिए अलग से इस पर चर्चा करना जरूरी हो गया था। आपको बता दें कि लगातार दूसरे दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक की। समस्तीपुर में नाला निर्माण को लेकर पुलिस और पब्लिक के बीच झड़प हुई। इस दौरान दोनों ओर से पत्थरबाजी भी की गई। पुलिस ने भीड़ नियंत्रण करने के लिए लाठी भी चलाई। यह घटना दलसिंह सराय थाना क्षेत्र के रामपुर जलालपुर की बताई जा रही है। 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस समारोह में विशेष तौर पर आमंत्रित किए जाएंगे कोरोना योद्धा और प्लाज्मा डोनर। कोरोना योद्धा और प्लाज्मा डोनर के बैठने के लिए विशेष व्यवस्था की गई है। प्रमंडलीय आयुक्त संजय अग्रवाल ने गांधी मैदान में आयोजित स्वतंत्रता दिवस समारोह की तैयारी की समीक्षा बैठक की। सुशांत सिंह राजपूत हत्याकांड मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार तक सभी पक्षों से लिखित जवाब मांगा है। बिहार के सभी निचली अदालतों में कल यानी बुधवार से न्यायिक कार्यों की शुरुआत हो जाएगी। सभी निचली अदालतों में वर्चुअल कोर्ट से सभी प्रकार के मुकदमे की सुनवाई होगी। पटना हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के निर्देश पर हाईकोर्ट प्रशासन ने सभी जिला एवं सत्र न्यायाधीश को सोमवार को यह निर्देश जारी कर दिया है। बिहार समेत देश दुनिया की तमाम खबरों से अपडेट रहने के लिए देखते रहिए DTW 24 न्यूज। और अगर आप हमारे इस न्यूज को फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें, अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबा दें, ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे आप तक।